हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये तो मन एकदम अब गर्मी आ गई है यहाँ पे ना। हाँ, अब गर्मी आ गई है पूरा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ पर? तो मैं जा रही हूँ अभी ज्वेलरी शॉप, क्योंकि मुझे लेना है पायल। तो वही मैं इनको बोली कि मुझे चाहिए पायल, क्योंकि नोएडा में थे ना, तो वहाँ पायल में पहनते होते तो थी नहीं, क्योंकि वहाँ का पानी ऐसा था ना कि चांदी का कुछ भी पहनो ना तो वो खराब हो जाता था। मेरा 2-3 जोड़ा पायल खराब हो गया है, मतलब खराब नहीं, काला काला पड़ जाता है। और यहाँ पर तो सारे लेडीज तो पहनते ही है पायल, अच्छा भी लगता है। लेकिन आप लेडीज थोड़ी हैं, आपका मॉडल है ना। नहीं ना तो ये कहा है मंगलसूत्र हम भी पहने हुए हैं। मंगलसूत्र थोड़ी है, ये तो हीरो का हार है। हार ऐसा होता है, ये मंगलसूत्र है, ये छोटा हार है। अरे स्कूटी से ही चलना है, तो फिर हम क्लचर भी नहीं लिए, बाद में पूरा खराब हो जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वही पायल देखने के लिए, और क्योंकि यहाँ पर मतलब मोस्टली सारी लेडीज तो पहनती है, तो मैं भी सोचती हूँ कि जो पहने तो अच्छा लगेगा। और चलिए चलते हैं वहाँ, वीडियो अगर बन पाएगा तो आपको भी दिखाते हैं कैसा डिजाइन क्या है, बहुत सारा क्या क्या डिजाइन का है, किस टाइप का है। और इनको मैं बोली कि वहीं चलते हैं जहाँ से मैं अपना मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट में जो पे कर रही हूँ, जहाँ से मुझे नेक्स्ट ईयर कुछ मिलूँगी ऑर्नामेंट अपने लिए, तो वहीं मैं बोली वहीं चलिए, वहीं चलते देखते हैं। तो बस निकलते हैं और चलिए देखते हैं, वहाँ अगर वीडियो बना पाऊँगी तो मैं वहाँ का भी वीडियो ले लूँगी। तो चलते हैं, चलिए। हो गया बंदा साफ था, इसमें वो टिक टिक नहीं करता है ना, ये घूमता रहता है। क्या नया इसी पर करवाइए। देखिए कितने तक का है नया में, ऊपर है, ऊपर भी है, आइए देखते हैं। तो हमारा जो हॉल में का घड़ी है वो पता नहीं कैसे क्या हो गया है, वैसे बहुत पुराना भी है, शादी के टाइम ये लिए थे, 11 साल हो गया इस घड़ी का। तो अभी हम लोग आए हैं देखने के लिए यहाँ घड़ी, यही तो है साइज आप लिए हैं, ये ऐसे ही ना है, नहीं वो शीशा का है ये वाला, ये स्टील का वो है ना। तो हम मैं बोली कि अभी घड़ी उड़ी नहीं लेना है, जो घड़ी है वो ठीक है, उसमें जो प्रॉब्लम है वो करवा लीजिए। तो फिर वही उसी जो प्रॉब्लम है वो ठीक करवा रहे हैं, अभी घड़ी नहीं ले रहे हम लोग। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये वाला पायल मुझे अच्छा लगा है, ये भी पायल का डिजाइन अच्छा लगा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसा चाहिए लटकन जैसा कुछ, और ये प्लेन है, बाकी ये सब भी उतना कुछ खास नहीं लगा, तो ये फाइनल में की है। तो मैडम जो पायल ली है अब उसको पहन के जाएगी, तब से दिमाग नहीं था ये। अब इसको रेगुलर पहनिए या खोल रख दीजिएगा फिर? क्यों रेगुलर पहन, इसको थोड़ा सा लूज करिए ना भैया, नोएडा में मेरा सारा पायल काला हो गया था। ये नहीं होगा, हां जिस तरह वहां का पानी होगा होगा, यहाँ का यहाँ नहीं होगा, अब तो यही रहना है ना, यहाँ नहीं ना होगा। नहीं, यहाँ से पहुंचे मान लीजिए कोई ऐसी जगह है कुछ पानी का, वहाँ का पानी से ऐसा हो जा रहा है दिल्ली का, यहाँ के पानी में भी हो सकता है, यहाँ से चीरा चास का कोई पानी। फिर अगर भैया बोल रहे हैं कि चीरा चास के पानी से हो सकता है, तो मैं जगह का नहीं बोल रहे, अरे आप जहाँ रहते हैं वहाँ बोलते तो वहीं का हो जाता है। ये चीज तो हम तो नाम में जाते ना, काला जी से हो जाता तो ऐसे दो जगह का ऑप्शन लेते हैं कि दिल्ली या चिरासा, तो बोल देते हैं। टेढ़ा हो गया क्या?
ये भैया जो है ना इतना चांदी दिए फिर भी 500 ले लिए हमसे 500। त्रिमूर्ति का वीडियो बनाइएगा तब ना हम लोग दूसरा जो आज यहाँ पर कल अभी अभी आप ही ना बोले कि नहीं बनाने के लिए तब तो नहीं बनाए। तो अभी हम लोग आए हुए हैं त्रिमूर्ति ज्वेलर्स में जो कि सेक्टर 4 में है और हर्षवर्धन प्लाजा के बिल्कुल पीछे कॉर्नर पे है। अगर रोड साइड से आएंगे तो बिल्कुल फर्स्ट दुकान यही है। तो यहीं से मैं ली हूँ नहीं हम मुझे पसंद आ गया, मतलब मैं बहुत सारा शॉप में गई थी लेकिन पसंद ही नहीं आ रहा था। इनके पास एक बार मैं आई थी, मम्मी जब पायल ली थी ना तो इस टाइप का डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा था, उसके बाद मुझे कहीं पसंद ही नहीं आया। मैं बहुत शॉप में देखी तो फिर फाइनली मुझे आज लेना था तो मैं इन्हीं के पास आई, सोना चांदी में गई, वहाँ मुझे पसंद ही नहीं आया। तो बहुत सारा पायल और क्या क्या सामान मैं दी हूँ, बहुत सारा दी हूँ तब जाके एक पायल मिला है, उसके बाद 500 रुपये भी दिए। एक पायल और मैं लेकर आई थी वो देती तो फिर पैसा और एक्स्ट्रा मुझे मिलता, लेकिन मैं बोली ना। जल्दी से बिल बन रहा है, बिल लेके हम लोग निकलते हैं घर। तनिषा घर पे है, उसका ट्यूशन का भी टाइम हो रहा है, चलिए मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हुए थे चिकन माफिया रेस्टोरेंट है जो कि अभी दूसरे जगह ये लोग शिफ्ट किए हैं अपना, तो अच्छा लगा। हस्बैंड आए थे ऑर्डर देने के लिए लेकिन अभी जब मतलब खाना लेना था तो फिर मैं भी आई देखने के लिए, जब मुझे ये बताया कि चेंज हो गया है और अब काफ़ी अच्छा बनाया है। तो ये रहा इनका वॉशरूम मतलब एरिया। हे गाइस, तो अभी आप लोग व्लॉग में देखा आपने कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ ले गई थी शॉपिंग करने के लिए, उसके बाद जो है ये मुझे इतना थकाई है, एक तो खाना खाने का टाइम हो गया था, मेरी बेटी बार बार फोन कर रही थी ट्यूशन जाना है, इसका जो है ना पायल का पसंद ही खत्म नहीं हो रहा था, और जल्दी से खाना खाने के बाद तनु को ट्यूशन में ले गया, और ये जो है महारानी घोड़ा भैंस बैल बकरी सब बेच के सोई हुई थी। तो अभी एक लड़की मुझे दोस्ती करने के लिए फोन की थी, सिंपली दोस्ती, फ्रेंडशिप में क्या क्या बोल रहे थे आप उसको, तो बोल मान लीजिए अगर वीडियो कॉल करना। अरे तो आप तो कोई नहीं रोके, उसके बाद क्या बोले आप, फालतू के काहे के लिए कुछ बोलते रहते हैं जी, 1500 देंगे मेरा दोस्त ही मर जाएगा। अभी मैंने एक प्रेम किया था सच में यार, यूट्यूब पे ना सच में एकदम बिल्कुल जो ढूंढिएगा सब कुछ मिलता है। मैं ऐसे ही मतलब बैठे बैठे सोच रहा था ना कि कुछ अच्छा चीज मुझे मिला प्रैंक करने के लिए, तो वन साइडेड मुझे प्रैंक कॉल मिला लड़की की आवाज में। मैं सोचा यार ये तो अच्छा चीज है, क्यों नहीं प्रैंक किया जाएगा, कि ये तो बड़ा इसको समझ में आएगा नहीं कुछ भी। ऐसा ही आप थे मस्त, तू चीज बड़ी थी मस्त थी। तू चीज बड़ी थी मस्त मस्त, तू चीज बड़ी थी मस्त। आप गई उसे खोज लीजिए, उसे खोज लीजिए, आप ये चीज एग्रीमेंट में लिख के दीजिए कि आपको कोई परेशानी नहीं है, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मुझे कोई इशू कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पति कहीं भी खुले खुल करके मतलब क्या बोल रहे हैं यार, कहीं खुल गया कि अपना कुछ भी करे, सोचिए हम ये सोचते हैं कि इसको तकलीफ ना हो, हड़बड़ी में घर में जाए किचन में बेकार का मुंह काला करेगी, इससे अच्छा खाना खिला देते हैं, उसके बाद जो है घर में चैन से एक कप चाय बना पिला देते, तब से बोल रहे चाय बनाओ चाय बनाओ चाय बनाओ, नहीं बोल रहा है गैस हो रहा है, गैस का प्रॉब्लम, तो मैंने भी फोन लगा दिया है, हेलो मैं कौन आप कौन कैसन रह मतलब मजा आए, बहुत बेकार आदमी है। पैरों में बंधन है, पूरा दुकान उलटवा दी। सेक्टर 4 में एक शॉप है सोना चांदी जहाँ पे हम लोग मंथली वाला स्कीम भी चला रहे हैं, वो दुकानदार भी खुश हो गया, ये तो मेरा परमानेंट ग्राहक है तो मेरे पास ही लेके जाएगा, बेचारा पूरा दुकान ऊपर से नीचे तक पलटवा दिया लेकिन इसको पसंद नहीं आया। मेरा थोड़ा सा है ये प्रॉब्लम, मेरा थोड़ा सा नहीं है, इसका बहुत ज्यादा है, मेरे से कॉम्प्रोमाइज वाला सीन नहीं होता है कि भाई ये नहीं, अरे ले लो ना ये ले लेना फिर वो ले लेना, मेरे से वो नहीं होता। तो मेरे साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपने? हाँ आप बस प्यार करते थे इतना ज्यादा इसलिए कि ये साथ होना अच्छा, करते हैं अच्छा, ये कितना डिजाइन उसमें बोले कि ये ले लो ना ये ठीक लग रहा है ये ले लो ना, हम बोले क्यों ले, जब हमको कोई चीज पसंद आ ही नहीं रहा है तो हम जबरदस्ती ले ले। वो इतना बड़ा शोरूम है, मतलब वहां का वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि इतने सारे स्टाफ सब जगह बैठे हुए थे, और फिर मेरे को हमको पूछने में भी थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था कि वीडियो बना सकते हैं या नहीं, उसकी ऑनर भी बैठी हुई रहती है वहीं पर एकदम। एक चीज मैंने नोटिस किया कि जिस शॉप पे हम लोग पहले गए थे वहां पे भाव रे भाव जब दिखाया जा रहा था पायल सारा,
तो चार पांच आदमी एकदम टकटकी लगा के देख रहा था कहीं गलती से पार ना कर ले एक दो को। पागल है क्या आप, ये चीज नोटिस नहीं किए? लेकिन एक इधर से एक उधर से वहां से खड़ा हो गया, उधर से खड़ा हो गया, सब ध्यान से देख रहा था। और जब वापस जब रखा तो लेडी पूछ रही थी 40 पीस है ना, 40 पीस आप ध्यान नहीं दिए। मैंने सोचा बाप रे बाप, जरा इतना मतलब कस्टमर को इस तरह से घेर करके खड़े हो गए हैं। अरे कस्टमर को घेर के खड़ा है, एक बार बताइए क्या वहाँ पर कुछ तो मैं पर्स रखा था उधर, वो हम आपके बात नहीं करें लेकिन वो करते ही हैं लोग। अरे जो वही त्रिमूर्ति ज्वेलर्स में जहाँ से ये दोबारा जब पायल खरीदे वहाँ कस्टमर कम थे, वहाँ तो कोई आदमी नहीं था, एक ही आदमी उस दिखा ही नहीं था वहाँ ज्यादा, वहाँ पर भरा। अब मान लेते हैं कि 10 आदमी वहाँ बैठाया है, 10 आदमी से ज्यादा वहाँ पर मतलब उसके एम्प्लॉय थे वहाँ पर, तो सब क्या करेगा? कस्टमर ज्यादा नहीं है तो सब तो एक ही को ना दिखेगा। नहीं लेकिन एक चीज है, मैं जहाँ पे पहले जॉब करता था मतलब मेरे जो कंपनी के मेरे शोरूम के जो जीएम थे, बहुत अच्छी चीज हम लोगों को सिखाए थे, कभी भी कस्टमर ओरिएंटेड आपको मतलब फील्ड में जैसे शोरूम हो गया या फिर किसी कंपनी में आप हैं जहाँ पे कस्टमर को फेस करना है, वहाँ पे कस्टमर को बिल्कुल ऐसा मत होने माहौल फील होने दीजिए कि मतलब उसको ये लगे कि यार सारी निगाहें मेरी तरफ ही हैं, तो उसको छोड़ दिए फ्री। ऐसा ना हो कि एकदम कोई कस्टमर शोरूम में घुसा, एंट्री किया, आपकी आंखें पूरा गेट से लेकर के टेबल तक उसको छोड़ने ले जा रही है। मैं तो अपना पसंद मतलब अपना जो सामान लेने गए थे उसमें मेरा नजर था कि हाँ, क्योंकि इनके साथ जाते हैं ना तो ये बस सोचते हैं ना कि अरे कोई भी लेके बस चलो, इसीलिए हमको कुछ भी सामान खरीदना होता तो मैं सोचती हूँ अकेले जाओ, लेकिन अकेले यहाँ इतने दूर से वहां जाने में स्कूटी में सोचती कहीं गिर पर आ जाओ, इसीलिए लेके जाना पड़ता है मजबूरी में इनको। अब मजबूरी में लेके जाओ तो वहां पर ये परेशान हो जाते हैं। फिर जब मतलब वहां सुबह जाने से मैं निकली तो इनको मैं बोली, मतलब ये बोले कि तुम देखो हम आते हैं कुछ ऑर्डर देकर खाना, फिर इनको हम बोले कॉल किए, बोले कि हमको एक काम कीजिए, हमको त्रिमूर्ति में छोड़ दीजिए, फिर त्रिमूर्ति में ही हमको छोड़ के और बाहर अंदर भी नहीं आया, बाहर बाहर ही चले गए, जो भी खाना इनको खाने का मन था, मन ही कुछ था इनको मन था तो वहां गए। फिर तब तक मैं अपना इसको पसंद करके वेट वगैरह करवा के मतलब बिलिंग हो रहा था, फिर ये आए तो हम इनको बस बता दिए कि हाँ ये वाला हम लिए हैं, ठीक है। तो इसी टाइप का पायल मैं उस टाइम भी देख रही थी जब मैं मम्मी के साथ गई थी, लेकिन वही सेम हम बस ये सोच रहे थे ना कि वो पहचाने ना हमको, क्योंकि अभी से हमको लग रहा 5-6 महीने पहले मैं गई थी, वो आदमी था भी नहीं, वो जो साइड में बैठा हुआ था वो दूसरा था, वो बहुत बेकार टाइप से बात किया था, उसमें ऐसा ही पायल मुझे पसंद आया था और वो पायल मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी। चास में इतने बड़े बड़े शोरूम है और त्रिमूर्ति का ही वहां पर भी ब्रांच है ना, यही त्रिमूर्ति का वहां पर भी, लेकिन वहां पर भी नहीं मिला था मुझे ऐसा डिजाइन। तो फिर मैं सोची कि मैं जाके देखती हूँ, पहचाने का पैसा दे के ले रहे हैं, फ्री में थोड़े ले रहे हैं। फाइनली मुझे मतलब मिल गया मेरे पसंद का पायल, मुझे ऐसा ही मैं लेना था और बहुत मैं देखी वहां सोना चांदी में तो बहुत सारा पीस निकालते हैं, बोला 200-250-300 पीस निकाला होगा अलग अलग डब्बा में, 4-5 डब्बा निकाला, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया। ये बोल रहे हैं ये ले लो ना, ये ले लो ना, ये ले लो ना, बोला हम लेंगे ही नहीं। वैसे ही उस टाइम भी लेके गए थे झुमका दिलाने के लिए, तो बोल रहे हैं ये तो अच्छा लग रहा है, ये तो अच्छा लग रहा है, सब इनको अच्छा ही लगता है। और मैं सोचती हूँ हमको सब, हमको किसी से कोई तकलीफ नहीं, हमको सब अच्छा लगता है, ये भी अच्छी लगती है हमको, मतलब यही अच्छी लगती है आपको ना, वो भी अच्छी थी, वो भी अच्छी थी आज फोन की थी। आप चाय पिलाइएगा? हम नहीं पिलाएंगे। फिर लगा फोन, लगा लीजिए, चलेगा ये, हमको क्या, ठीक है। तो जा रहे हैं कलकत्ता गाइस, अब मुझे आज शाम में थोड़ा इमरजेंसी में निकलना है कोलकाता। कहीं नहीं जा रहे हैं, नहीं जाइए जाइए, सोचेंगे कि हमारा जो वहां 1500 देंगे उसमें हम क्या करते हैं, 3 बार कम से कम, क्या कम से कम, सप्ताह में नहीं, हाँ 10 दिन का तो मेरा मतलब बाहर से खाना 3 बार आ जाएगा, है कि नहीं? यस यस यस। ये ना अपने पापा का ना दिमाग खाई हुई है कि साइकिल बनवाओ, एक साल से मैं कह रही हूँ, दिमाग नहीं, एक साल से मैं कह रही हूँ, एक साल से कह रही हो, एक साल तो यहाँ आए हुए भी नहीं, वहाँ तुम तो चलाती भी थी यहाँ साइकिल, मुझे अच्छे से याद है कि वहाँ गिरी थी, तुम पटकाई भी थी। हाँ ये उसी में तो ये हुआ है, ये इसको टाइट नहीं था ऊपर में कुछ, साफ करो ना साइकिल को, कितना गंदा, ये सब कितना गंदा, बाप रे, ऐसे साफ कर रही हो, बाहर जाके झाड़ी ना, आप घर के अंदर क्यों लेकर आए हैं, बाहर ले आके झाड़ी तो पहले, तनु गेट खोल बाहर ले जाओ, नहीं बाहर ही जाइए, घर में डस्ट गिरेगा, देखिए इतना गंदा साइकिल, ये देखिए यहाँ कितना गंदा है, बेचारा मेरा साइकिल, बेचारा तुम्हारा साइकिल,
क्या क्या टूटा है इसमें? एक ये है, ये वाला खाली लूज हो गया है, इसको टाइट चलता है साइकिल, हवा है, हवा भरना पड़ेगा, हवा पंप ले जाते हैं। अबे पंप खरीद के लाइएगा। ओके कितने में आएगा वो सब? तो फिर वहां पर वहां तक लेकर जाने साइकिल, वो पैर वाला पंप लेंगे, गाड़ी बड़ी में हवा भर जाएगा, गाड़ी में स्कूटी में, स्कूटी में कार में। ऐसे मत बैठो, टायर बैठ जाएगा, फट जाएगा टायर। तो चलिए इन लोगों करने दीजिए, मैं चलिए अपना काम करने। पापा पापा पिछली बार की तरह ये भी मत तोड़िएगा बस पंप। अभी हमने ये पीछे वाला टायर भरे, हवा भरे, अभी इस टायर का भी हो गया। वाओ लीजिए नया पंप और नया ये चाइनीज वॉल पिन जो है बड़ा इजी है, नहीं तो पहले जो वॉल पिन आता था काफी हार्ड होता था हवा भरने में, ये वाला काफी इजी, बच्चे ही भर लेंगे इसको आसानी से। फाइनली बस अभी ये बचा है ना, आप कर दोगे सर? करके दिखाइए। अब ये लूज था, अब ये टाइट होगा ना। ओके अभी ये इस टायर पे और इस टायर पे, दोनों टायर पे हवा भर चुका है। तुम तेल लाना, मामा को लगा था। अभी इसमें तेल लगा, गल गया नीचे से हो रहे है। अच्छा यार हाँ अब दिखेगा, हाँ शायद यहाँ पर ये चीज से हो रहा है। ये कहाँ हुआ? अभी ऐसे ही देखो बैठ करके, हैंडल ठीक है और ऊपर होना चाहिए हैंडल, हाँ ठीक है ना पक्का? नहीं और ऊपर होना चाहिए हैंडल। नहीं ठीक है यहाँ पर ना थोड़ा चलना होगा, तो थोड़ा सा चलना होगा, ठीक है बाहर ठीक है लेके आओ तो चलाते हुए आओ। नीचे क्यों? नीचे नीचे सबको साइकिल, नहीं नहीं यही रहो, यहाँ पर लिफ्ट से फिर दिक्कत होती, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आज बहुत सारा काम हो गया, मैं भी अपना ले ली जो मुझे लेना था, तनु का भी आज साइकिल बन गया है ना तनु। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।